नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। चीनी वायरस को लेकर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर पूरी तरह से अलर्ट हैं। डॉक्टर भारत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दो मरीजों पर शक था, उनके टेस्ट को लेकर के उन्हें अग्रवा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर मरीज को ज़्यादा समय तक बुखार रहता है, खांसी और जुकाम रहता है तो उनका टेस्ट अवश्य करवाएं। अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है। नागरिक अस्पताल में पूर्णतया अलर्ट हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट, सुरेश गौतम के साथ। जी, मैं डॉक्टर भारत भूषण, MD पीडियाट्रिक्स, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अभी जो चाइनीज वायरस है, इसके लिए मेरे को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है CMO सर ने। तो इसकी जैसे कुछ दिनों से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि चाइना में एक वायरस है जिसकी वजह से बच्चों को चेस्ट की या छाती की इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने स्टेट्स को नोटिस किया है कि आप अपने लेवल पे इसके इंतजाम करें। तो हमारी जो मैम है डीजीएसएस मैम, इन्होंने VC के थ्रू और लेटर के थ्रू हमें कहा है कि इस केस में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि इन केस ऐसा अगर हमारे पास केसेस आते हैं तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो इंतजाम तैयार किए हैं, जैसे हमारे पास पीडियाट्रिक वार्ड बना हुआ है, ऊपर बच्चों का वार्ड, 30 बेड का वार्ड है, सभी में जितने बेड हैं सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। तो उसके लिए हमें जो भी लॉजिस्टिक चाहिए होते हैं, जैसे स्टाफ की या हमें कोई ऑक्सीजन के लिए, वो हमने चेक करवा लिए हैं। जो मेडिसन्स हैं वो हमने, जो हमारे पास थी उसके अलावा जो कुछ और ज़रूरत पड़ सकती है एमरजेंसी केसेस ज़्यादा आने पर, वो भी हमने तैयारी कर ली है। और कुछ अभी तक आपके पास कोई इसी प्रकार का कोई केस आया है? हमारे पास कुछ खांसी जुकाम, जैसे नॉर्मल इस टाइम सर्दी के टाइम में नॉर्मल भी आते हैं, अगर कुछ प्रोलॉन्ग हो जाता है, जैसे लंबे टाइम के लिए अगर चल रहे हैं केसेस, तो उनकी हम जांच करवा रहे हैं। जो बेसिक जांच है जो सिविल हॉस्पिटल में होती है, चेस्ट एक्सरे, खून की जांच, वो करवा रहे हैं। अगर कोई शकी केस लग रहा है तो हम उसके स्वाइन फ्लू के सैंपल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए भेज रहे हैं। अभी तक से कोई ऐसा केस आया है? हमने 2 सैंपल करवाए हैं वार्ड से, 2 सैंपल ऊपर से करवाए हैं, जिनकी रिपोर्ट आ गई, अभी नेगेटिव है। इसके लक्षण क्या है, किसी साधारण बच्चे को कैसे पता लगेगा कि ये है? इसके लक्षण जो है ये सिमिलर रहते हैं, खांसी, जुकाम, गला दर्द, खाना पीना कम होना। इसमें जो वायरस है, इसमें सिर्फ ये फर्क रहता है कि इसके जो लक्षण हैं वो एकदम जल्दी से गंभीरता की तरफ जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 3-4 दिन में नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, पर अगर कोई बच्चा खाना पीना कम कर दे, या बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर, जो बहुत तेज बुखार है, लगातार आ रहा है, तो उसको फिर हम अपने पास एडमिट करके सैंपल के लिए भेज देते हैं। इसमें ज़्यादा उम्र के बच्चे की या कोई एज फैक्टर भी इस बच्चे को ज़्यादा हो सकता है, इतनी उम्र वाले को नहीं हो सकता? अभी तक ऐसा कोई खास एज ग्रुप का वो नहीं आया है कि इस एज को हो सकता है, पर जो चाइना में आया था उसमें कह रहे थे कि चिल्ड्रन ज़्यादा इफेक्टेड थे। पर अपने हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमें शकी लग रहा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, तो दोनों को ही हम सैंपल करवा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हिदायत दी गई है उसी तहत? हाँ, जो हरे ऊपर से गाइडलाइंस आई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। हाँ, दोबारा से। डॉक्टर विजयपाल यादव, सिविल हॉस्पिटल सरसा में एज ए पीडियाट्रिशियन वर्क कर। डॉक्टर, बच्चों में वायरस चला हुआ, चाइनीज वायरस, उसके बारे में आप? सर, हमारे पास में नर्सरी के अंदर जो डिलीवर्ड बेबी होते हैं, जो रिसेंटली डिलीवर्ड हुए हो, अभी डिलीवर्ड हुए हैं, वो एडमिट रहते हैं। जो प्री टर्म वाले हैं, ठीक है सर, या जिनको कोई एट द बर्थ उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, वो एडमिट। तो जिन मदर को कोई दिक्कत हुई हो इस टाइप के रेस्पिरेटरी, इस टाइप के अभी कोई केस हमारे सिविल हॉस्पिटल सरसा में नहीं है, ना तो OPD में, ना ये एडमिटेड बच्चे। अभी तक इन बच्चों में आपके पास ऐसा कोई केस नहीं है जिनको चाइनीज है वायरस आप कह रहे हो? कोई भी वायरस जो नॉर्मली जो है वेदर से रिलेटेड, जो वायरस सीजनल जो है वही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके जो आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अलग टाइप से कोई वायरस जिनको चाइनीज वायरस आप कह रहे हो, वो नहीं। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप जनता को बताना चाहेंगे कि इसके क्या लक्षण है? लक्षण तो फिर वाले बताए।